किसान के बेटे ने बढ़ाया मुजफ्फरपुर का मान। मैट्रिक में एक नंबर से हुआ था फेल, जी तोड़ मेहनत कर हासिल की सफलता। वर्तमान में है कस्टम सुपरिटेंडेंट। एक सप्ताह बाद ठंड लेकर आएगी पश्चिमी हवाएं। बिहार के सभी हिस्सों में मौसम हुआ शुष्क। ठंडा पड़ने से पहले सताएगी उस भरी गर्मी। नमी और धूप के कारण बढ़ेगी उस भरी गर्मी। हजारों दीपों से जगमग हुआ रोहतास का तारा चंडी धाम। माँ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। धाम में श्रद्धालुओं के हजारों दीपों से रोशन हुआ परिसर। नाव से वोट देने पहुंचे मतदाता। वैशाली और नवादा में वोटिंग का दिखा उत्साह। नाव का 50 रुपए देकर बूथ तक गए। बोले प्रशासन ने नहीं किया था इंतजाम। मुजफ्फरपुर में मतदान केंद्र के पास भीड़ लगाने वालों को खदेड़ा। SSP जयंतकांत ने सकरा प्रखंड में बूथों का लिया जायजा। हेलमेट नहीं होने के कारण 2 साल में 872 मौतें। अब टू व्हीलर के साथ लेना होगा हेलमेट। नियम तोड़कर गाड़ी बेचने वाले डीलर पर एक्शन। अक्टूबर में बिहार आएंगे लालू प्रसाद। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर करेंगे चुनाव प्रचार। विधायक दल की बैठक समाप्त। तेज प्रताप रहे नदारद। उपचुनाव में NDA एकजुट, विपक्ष में बिखराव। सभी विपक्षी दलों ने उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने कहा अब कोई फ्रेंडली फाइट नहीं। तेजस्वी महज RJD के नेता। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी। पंचायत चुनाव के बीच 19 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम। विद्यालय अपनी सुविधा से तय करेंगे डेट। दुर्गा पूजा में बढ़ा बिजली का लोड, अब हो रहा मेंटेनेंस का काम। बदली जा रही पुरानी केबल, आज पटना के 24 से अधिक मोहल्लों में बिजली विभाग की कटौती। उपचुनाव में पूरी ताकत लगाएंगे चिराग। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में खुद संभालेंगे स्टार प्रचारक की कमान। लिस्ट में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी। मुखिया प्रत्याशी के घर पर गोलीबारी। मधुबनी के फूलपरास में मुखिया पद की महिला उम्मीदवार के घर गोली चली। प्रत्याशी बोली इस तरीके की वारदात से डरने वाली नहीं हूं। नेपाल से तस्करी कर मंगाई गई 260 किलो चांदी। मामले में 4 व्यवसायियों को भेजा जेल। मुजफ्फरपुर में कोयला संकट। कांटी थर्मल की दोनों ही यूनिट करनी पड़ी बंद। बिजली संकट और गहराया। राबड़ी आवास पर RJD की बैठक। तेज प्रताप रहे नदारद। 5 राज्यों में उपचुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक। RJD विधायक ने कहा चुनाव में सरकार के कारनामों को उजागर करना है।